जो है वो स्टेबल हो, या किसी प्रकार का जॉब अगर उसको प्राप्त हो जाता है तो भी हम बोलते हैं कि वह स्टेबल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे बता सकते हैं कि इसके स्टेबिलिटी के बारे में, तो टॉपिक डाल लेते हैं स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी जो है, एक तो सबसे पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, स्टेबल मतलब वह किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करना नहीं चाह रहा, तो रिएक्ट करना नहीं चाह रहा है मतलब बोल सकते हो कि उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सा चीज है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वह क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो इस बेसिस पर स्टेबिलिटी को हम उसके एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, तो स्टेबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, या ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है विशेष हम लोग जो है ध्यान में रखें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो है जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जीओसी जिसको बोलते हैं आप सब, जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो है हम लोग बहुत सारे जो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनके बारे में भी वहां पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल से पहले रिलेशन के थ्रू जो है बताते चलता हूँ कि स्टेबिलिटी जो है वह कैसे बढ़ती है या घटती है इसके बारे में। तो सिंपल सा चीज है, हमको पता है कि स्टेबिलिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो कब ज्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो ऐसे ग्रुप जो कि प्लस एम इफेक्ट डाले, प्लस एम इफेक्ट मतलब होता है मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप जो कि पॉजिटिव वाले हो, दूसरा प्लस हाइपर कंजुगेशन डालने वाले ग्रुप, तीसरा जो है प्लस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखो मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट जो है, जब हम लोग जीओसी की क्लास पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे, उस समय जो है नॉर्मली हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जो है जितना इसमें यूज हो जाएगा उतना डिटेल जो है मैं यहीं पे एग्जांपल के थ्रू बताने चलूंगा। तो पहला रिलेशन है ये वाला, क्या, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। दूसरा रिलेशन है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ई इलेक्ट्रॉन आर रिलीजिंग जी ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। ठीक है, अब जान रहे हो अगर कोई देने वाला ग्रुप है तो उसका अपोजिट होगा लेने वाला ग्रुप, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराने वाला ग्रुप। तो इसमें अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाल देंगे तो ये हमारा काम नहीं बनने वाला, क्यों, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके बेसिस पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अब इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है या ले रहा है उससे रिलेशन जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि अभी देखे हैं तो इसके बेसिस पर यह क्या होता है, तो 1/ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको लिखेंगे। तो ये है, तो दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन है स्टेबिलिटी जो है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो जो माइनस एम इफेक्ट डाले, माइनस नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डालने वाले ग्रुप, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट डालने वाले ग्रुप, ये सभी जो है वे क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा, इसके अलावा देखें तो स्टेबिलिटी जो है वह एरोमेटिसिटी पर निर्भर करती है। एरोमेटिसिटी ये भी हम लोग जीओसी में ही पढ़ेंगे। तो इसमें स्टेबिलिटी जो है, जितना ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होगा वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई कार्बोकेटायन है जो कि एरोमेटिक करेक्टर का है, तो इसका मतलब है कि वह उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिस्पेक्ट में मैं बताया हुआ। तो देखें, एरोमेटिसिटी सिंपल से हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तो पहले तो मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, तो प्लेनर होना चाहिए। दूसरा जान रहे हैं कि उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा होना चाहिए कंजुगेशन उपस्थित होना चाहिए। अब देखें, कंजुगेशन की बात करें तो कई प्रकार के कंजुगेशन होंगे, डबल बॉन्ड के बीच, डबल बॉन्ड के बीच कंजुगेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर के बीच कंजुगेशन हो सकता है। ये जो डिटेल है, इसको जब हम जीओसी की क्लास पढ़ेंगे जिसमें एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, वहां पे मैं जो है इसका डिटेल जो है आप सबके सामने जो है वो बताऊंगा। बट ये कि अभी क्या है फिलहाल, तो फिलहाल हम जान रहे हैं कि कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और एक लास्ट में आता है हकल्स रूल का पालन करना चाहिए। तो हकल्स रूल दो होते हैं, 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाले और दूसरे हैं 4π इलेक्ट्रॉन वाले। तो उसमें जो 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जो लागू करेगा वही तो एरोमेटिक होगा, अन्यथा की स्थिति में वह एरोमेटिक नहीं होगा। तो इस बेसिस पर स्टेबिलिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी को जानने के लिए प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, और क्या है तो 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लागू करना चाहिए। पांचवा रिलेशन की बात करें तो इसी का अपोजिट होता है, मान सकते हैं हम क्या, तो एंटी एरोमेटिसिटी। तो यह क्या होगा, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। तो एंटी एरोमेटिसिटी में क्या होता है, तो इसमें जो चार कंडीशन दिए हैं हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा इसके लिए भी सेम होगा। कहने का मतलब है इसमें भी मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसमें भी कंजुगेशन होना चाहिए। बट जो चौथा कंडीशन है, वो चौथा कंडीशन बोलता है कि 4n π इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। तो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी में बस यही अंतर है, इसके लिए चाहिए रहता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि हकल्स के द्वारा दिया गया था, और 4n π इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि हकल मोबियस के द्वारा दिया गया था। तो ये चीजें जो है हमको याद रखनी पड़ेगी किसके लिए, तो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, अगर वह कार्बोकेटाइन है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ से इस रिलेशन से इसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो पांच रिलेशन हैं, इसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारे जो पैरामीटर हैं इनकी बात कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, एक और जो हमारा रिलेशन होगा वो है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी करेक्टर। अब देखो यहां पे आ रहा है पी करेक्टर और एस करेक्टर की बात, तो पी करेक्टर और एस करेक्टर की बात जो है वह भी हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट हम पी करेक्टर और एस करेक्टर के बारे में अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ये सातवां रिलेशन इसका लिख लेते हैं, तो सातवां रिलेशन है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। तो ये है हमारा सातवां रिलेशन। तो ये जो सात रिलेशन है, अगर ये सातों रिलेशन हमको याद है तो इसके बेसिस पर जो है जो जनरल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनकी स्टेबिलिटी का आइडेंटिफाई जो है हम लोग कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब यहां पे मैं बताने वाला था क्या, तो एस करेक्टर और पी करेक्टर। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि एस करेक्टर और पी करेक्टर के बारे में तो हम देखें, तो सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन है तो होता है उसको थोड़ा समझते हैं। एसपी होता है, एसपी टू होता है, एसपी थ्री होता है, एसपी थ्री डी होता है। तो ये तीन पर देखते हैं, ये तीन की बात करते हैं सिंपल सा। तो इसमें सिंपल सा देखो तो एस का जो करेक्टर है वो है 50%, इस पर है पी का करेक्टर 50%। इसमें बात करें तो एस का करेक्टर है कितना, तो ये है 33.33%, और यहाँ पे पी का करेक्टर होगा वो होगा 66.66%। यहाँ पे बात करें तो एस का जो करेक्टर है वो होगा 25%, और इसमें पी का जो करेक्टर है वो होगा 75%। ठीक है, तीन गुना है इसलिए। तो इसके बेसिस पर भी हम इस एस और पी करेक्टर से रिलेट कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब सिंपल सर, अगर कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है तो उसमें एस करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अगर कोई भी कार्बोकेटायन है जैसे कि ये C(CCC) और मान लीजिए इस पर है प्लस चार्ज और इससे जुड़ा हुआ है ये, तो इस कंपाउंड पर क्या है, तो एस करेक्टर जो है करेक्टर क्या होता है तो 50% है, जो कि इन तीनों से मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि यह क्या होगा, तो लेस स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरा देखें sp2 की बात करें तो sp2 में s करेक्टर 33 है लेकिन p करेक्टर क्या है तो 66 है। तो देखें इसके रिस्पेक्ट में p जो है वो 50 से बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ 50-50 है लेकिन इनके रिस्पेक्ट में ये सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही sp2 पर आते हैं, तो sp2 पर आएंगे तो sp2 पर हम एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं, देखें तो ये इस पर प्लस चार्ज, ठीक है, विनाइलिक केटायन या कार्बो केटायन। इस पर देखें तो इस पर जो करेक्टर है वो क्या होगा, एस जो है वो 33.33% है लेकिन पी करेक्टर जो है वो है 66.66%। तो इसमें पी करेक्टर ज्यादा हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पी करेक्टर ज्यादा है, और ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं इसकी अपेक्षा यह कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये बता सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वाला देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये है, ठीक है, ये नॉर्मल जो अभी हम लोग एक्सप्लेन किए थे। तो इसके बेसिस पर क्या है, तो यहाँ पे s करेक्टर जो है वो तो है 25% और p करेक्टर की बात करें तो वो है 75%। तो 75% है, तो इस बेसिस पर क्या होगा, तो इस बेसिस पर जो है पी करेक्टर इसमें मैक्सिमम है। तो ये बोल सकते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर कोई कार्बोकेटायन उपस्थित है तो वह ज्यादा स्टेबल होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो sp2 और sp के रिस्पेक्ट में। दूसरा बोल सकते हैं sp2 पर जो है sp3 की अपेक्षा मिनिमम क्या होगा, उससे कम जो है पी करेक्टर होता है, लेकिन एसपी से ज्यादा पी करेक्टर होने के कारण से यह सेकेंड नंबर की स्टेबिलिटी पाता है और सबसे कम स्टेबल होता है sp2 पर जो कार्बोकेटायन उपस्थित होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है या कार्बन पर कार्बोकेटायन उपस्थित है तो वह क्या होगा, तो इन तीनों में सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये जो स्टेबिलिटी है जनरली हम इन 7 जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पर जो है आगे स्टडी करें, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में हम लोग जो है जो फॉलो ट्रेंड है उसके बारे में देख लेते हैं। ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स में बताया जाता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब देखिए इसमें मैं तो अभी बताया कि प्लस आई इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो इसमें से किसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा, तो उसी को हम लोग इसके ट्रेंड्स में बता रहे हैं।
ठीक है, तो ट्रेंड्स में हम लोग नॉर्मली बता सकते हैं, तो बताया जाता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है। उसके बाद आगे देखिए तो प्लस एम इफेक्ट या फिर उसी को बोलते हैं प्लस कंजुगेशन इफेक्ट भी बोला जाता है, कंजुगेशन इफेक्ट भी बोला जाता है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी कम, देन उससे कम जो होता है वो होता है प्लस हाइपर कंजुगेशन या सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की ही बात कर सकते हैं इसमें। उसके बाद सबसे कम स्टेबिलिटी रखता है प्लस आई इफेक्ट का ट्रेंड। तो यहां से हमको क्या पता चला, तो इससे पता चल रहा है ये जो ऑर्डर है इधर से इधर, यह क्या है, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज ऑर्डर, ठीक है। दूसरा देखें, अगर इसी को हम इधर से बात करते हैं प्लस आई से अगर आ रहा है हमारे एरोमेटिक की तरफ, एरोमेटिसिटी की तरफ, तब इसको हम बोल सकते हैं कि यह स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये किसके लिए, तो ये कार्बोकेटायन के लिए ऐसा फॉलो होगा। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोकेटायन, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एरोमेटिक है, अगर एरोमेटिक पर कार्बोकेटायन है तो वह ज्यादा स्टेबल होगा, अगर कंजुगेशन वाला कार्बोकेटायन है तो वह एरोमेटिक की अपेक्षा कम लेकिन बाकियों की अपेक्षा ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन है तो भी वह क्या होगा, प्लस आई की अपेक्षा कम ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी एरोमेटिक और कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो ट्रेंड इस प्रकार से फॉलो होगा, कैसे होगा, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, कंजुगेशन या प्लस आई इफेक्ट वाले लेस इसके रिस्पेक्ट में मोस्ट बोले हैं तो ये मोर स्टेबल, हाइपर कंजुगेशन भी क्या होगा तो प्लस आई से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा और प्लस आई इफेक्ट जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये यहाँ पे ट्रेंड जो है बताया जाता है। दूसरा देखते हैं इसका डी, ये तो स्टेबलाइजिंग है, स्टेबलाइजिंग ऑर्डर है, स्टेबलाइजिंग ऑर्डर है, इसी का डी स्टेबलाइजिंग ऑर्डर की बात करें, डी स्टेबलाइजिंग ऑर्डर, तो डी स्टेबलाइजिंग कहने का मतलब है डी स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी का अपोजिट क्रम। तो सबसे ज्यादा डी स्टेबलाइज करता है कौन, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड यह सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग करता है। इसके बाद देखें तो माइनस एम इफेक्ट डालने वाले या नेगेटिव कंजुगेशन इफेक्ट डालने वाले जो ग्रुप होते हैं ये इसके बाद सेकेंड में आते हैं, और इसके बाद देखें तो इसके बाद जो है माइनस आई इफेक्ट डालने वाले, माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालने वाले ग्रुप जो है वो डी स्टेबलाइजिंग में आते हैं। तो इस बेसिस पर ये बता सकते हैं या यहाँ पे ये भी आप जोड़ सकते हैं माइनस एच सी और क्या है तो ये माइनस आई, ये भी यहाँ पे हम बता सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे जब हम एंटी एरोमेटिक से माइनस आई इफेक्ट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है कब, जब हम एंटी एरोमेटिक से किधर जा रहे हैं माइनस आई इफेक्ट की ओर जा रहे हैं तब, और यदि माइनस आई इफेक्ट से अगर हम आ रहे हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ तब यहां पे डी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, या फिर बोल सकते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये चीज हम स्पेशली इसको याद रखेंगे तभी हम आगे के जो भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, इनको हम इन दोनों ट्रेंड्स के द्वारा जो है समझ सकते हैं कि कौन स्टेबल ज्यादा होगा, कौन ज्यादा डीस्टेबलाइज होगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको जो है थोड़ा रट्टा मार लीजिएगा कि इस प्रकार से इसका क्रम जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। अब इसी में ही थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेते हैं
तो अभी हम लोग बताए कि प्लस एम इफेक्ट, प्लस हाइपर कंजुगेशन, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये चीजों के बारे में। तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट बोल दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में, तो उसी को ही हम लोग अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो है देखिए, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर, प्लस हाइपर कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट, तो ये चीज है। दूसरा इसमें देखें, इसी के अपोजिट, तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होता है, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस हाइपर कंजुगेशन के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे जो हम क्या किए थे, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में बताए थे, तो उसमें आप इसको जो है दिमाग में रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे बताया था कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोला था किसका, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो इसमें क्या होगा, तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये स्टेबिलिटी को कम करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा स्टेबिलिटी के लिए देखें, तो अगर उसको सेवन मान करके चले थे तो ये हो जाएगा हमारा एट, ये हो जाएगा हमारा नाइन, और इसको टेन ले लेते हैं, तो स्टेबिलिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, देखिए डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, तो चार्ज का डिस्पर्सन मतलब चार्ज का फैलना, अगर कोई कंपाउंड है जिस पर चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये भी एक जो है कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कार्बोकेटायन की। तो डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है अगर चार्ज का जो फैलने का क्रम है वह जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी जो है हमको देखने को मिलती है। ग्यारहवां देख लेते हैं, तो इसमें एक चीज लिखे नहीं है हम, क्या नहीं लिखे हैं, तो ये है स्टेबिलिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो कंजुगेशन के। तो वहां पे हम लोग मिजोमेरिक इफेक्ट बोलती है, तो कंजुगेशन मिजोमेरिक इफेक्ट में ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, जब हम जीओसी पढ़ेंगे तो उस समय उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो कंजुगेशन मतलब समझ में आ गया, तो कंजुगेशन के बारे में देखें, तो डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड के बीच होता है कंजुगेशन, ठीक है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच होता है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच होता है, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड और इम्पिटी ऑर्बिटल के बीच होता है। तो ये जो है जब हम आगे देखेंगे, तो जीओसी देखेंगे तो उस समय जो है इसको ज्यादा डिटेल से हम लोग देखेंगे। डबल बॉन्ड के बीच कंजुगेशन होगा, डबल बॉन्ड लोन पेयर के बीच कंजुगेशन होता है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के बीच कंजुगेशन होता है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के बीच कंजुगेशन होता है, डबल बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच कंजुगेशन होता है। एक चीज और है, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच भी क्या होता है, तो कंजुगेशन देखने को मिलता है। तो इसका डिटेल जो है हम लोग जीओसी क्लास में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, तो सेकेंड 12th नंबर का स्टेबिलिटी के बारे में जो रिलेशन दिया गया है वो है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो एक्सटेंड करना सुने हैं, तो एक्सटेंडेड कहने का मतलब है अगर डबल बॉन्ड की संख्या या कंजुगेशन जो है रिपीट होते होते बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेता हूं यहाँ पे, तो ये देखिए, तो एक मिनट, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन की बात करें तो अब जैसे हम 1,3-butadiene में हम बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही कंजुगेशन उपस्थित है। अगर 1,3-butadiene के जो यूनिट है वो रिपीट होते होते बहुत सारे हो जाए, जैसे कि ये ऐसा, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हम देखें कि इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर बोल सकते हो कि 1,3-butadiene पर कार्बोकेटायन है और यहां पे देखें तो 1,3,5
सेवन नाइन, तो 13579, एक दो तीन चार पांच, दो ने दस, हाँ डे का इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं तो पांच हैं, ठीक है, तो पेंटा हो गया, पेंटा इन की कैटेगरी में आएगा, साथ में देखें इसमें कार्बन की संख्या क्या हो गई तो 10 है, तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, तो 13579 डे का। अब देखें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस कार्बन है तो डे का होगा, डे का। अब पेंट या पेंटा इन ये बोल सकते हैं, 13579 डेका पेंटा इन इसका नाम हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो नाम से इसमें जो है इधर उधर भी हो सकता है, तो इसको जो है इतना समझने की जरूरत नहीं है, मेन इसको देखें एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन किसको बोलते हैं, तो देखिए डबल बॉन्ड की संख्या जो है रिपीट होते 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 क्या हो गई है, तो इसमें जो है पांच डबल बॉन्ड आ गए, इसमें कितने, दो डबल बॉन्ड है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो स्टेबिलिटी दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, तो सिंपल सा है कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन जब आएगा तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये ऊपर का जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वह ज्यादा होगी किसके रिस्पेक्ट में, तो 1,3-butadiene कार्बो केटाइन के रिस्पेक्ट। तो ये रिलेशन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें टोटल ये जो 12 रिलेशन हमारे पास है स्टेबिलिटी के बेसिस पर, उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी कंपाउंड पर जो है स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यूज कहाँ पे होगा, तो जैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सीजी सेट में आ गया या नेट में आ गया या फिर और जो लेक्चरर्स के एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, या बोल सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो गए, ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो बनता है। तो देखिए एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पर कि इनका यूज, ये रिलेशन का यूज हम कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, अगला जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके और बहुत सारे जो एग्जाम्पल होंगे उनको जो है मैं खोज करके लाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको, और उनका भी हम लोग जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसको किस बेसिस पर काम कर रहा है स्टेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो एक एग्जाम्पल देखिए, तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल देते हैं, तो पहला क्वेश्चन में तो ये देखिए, तो CH3 पर प्लस चार्ज है, दूसरा है CH3, ठीक है, तीसरा देख लेते हैं CH3 पर, देखें तो CH2 है, सॉरी यहाँ पे इसको जो है ये कर देते हैं, कार्बोकेटाइन की बात करना है तो इस कंडीशन में ये हो गया, इस पर देखें तो ये हो गया, और तीसरा देख लेते हैं CH3 और इस पर है हमारा प्लस, और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे जो चार एग्जाम्पल हम लिखे हैं इसको हम लोग जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अब देखिए कुछ जो है लोग इसको भी, ये मेथिल जो कार्बोकेटाइन है इसको बोल देते हैं 0 डिग्री, लेकिन जो आप रिफर्ड जो बुक होती है उसमें 0 डिग्री का कहीं पे भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, तो यह भी क्या होगा, तो 1 डिग्री ही माना जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो मेथिल कार्बोकेट आयन ही कहा जाएगा इसको, बोले तो ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम सिंपल से देखें, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वह कार्बन और कितने कार्बन चेन से जुड़ा है, अगर एक कार्बन चेन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, अगर दो कार्बन चेन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, अगर वह 3 कार्बन चेन से जुड़ा है तो 3 डिग्री के कैटेगरी में उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए सिंपल से, ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वह 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे देखें ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि 2 कार्बन चेन से जुड़ा है, एक कार्बन चेन ये हो गया, दूसरा कार्बन चेन ये, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा अगला वाला जो एग्जाम्पल है वो होगा हमारा 3 डिग्री, क्लियर है ये चीज, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखें
तो यहाँ पे जो ग्रुप है तो मेन ग्रुप क्या है, तो ये कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इससे जुड़ा हुआ तीन बॉन्ड है। अब हमको यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफाइड करना है, तो हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि यहाँ जो ग्रुप जुड़े हैं यह इस पर क्या इफेक्ट डाल रहे, इस पर क्या इफेक्ट डाल रहे, वही उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में देखें, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो सी इससे जुड़ा है एच, इससे जुड़ा है एच, इससे जुड़ा है एच और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पे देखें, तो जो हाइड्रोजन होता है यह किसी भी प्रकार का ग्रुप, कहने का मतलब है दो ही सिंपल से ग्रुप हम लोग देखें नॉर्मली, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इनके लिए ये मीडिएटर का काम करता है। मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की श्रेणी में आता है ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की श्रेणी में आता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग स्केल बनाते हैं तो इसको जीरो मान करके चल लें, तो इसको हम लोग प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसा मानेंगे, तो इसको माइनस वन माइनस टू ऐसा मानकर चले, तो ये रिफरेंस का काम करता है हमारा हाइड्रोजन। तो इसके रिस्पेक्ट में ना तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेचर होता है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर होता है, तो इसलिए यह क्या होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में उपस्थित रहता है। तो इसके लिए अब यही ग्रुप का हम इसमें उपस्थित ग्रुप से कंपेयर करेंगे। तो आगे आ जाते हैं, सेकेंड जो है हमारा प्राइमरी कार्बोकेट आयन, इस प्राइमरी कार्बोकेट आयन की बात करें तो प्राइमरी कार्बोकेट आयन देखें तो एक जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, एक जो ग्रुप है वो भी हाइड्रोजन है, लेकिन जो तीसरा ग्रुप जुड़ा है वो है मेथिल, ठीक है। तो ये ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट इसका देखें, इसका इफेक्ट सेम हो गया, इसका इफेक्ट इसकी इफेक्ट से भी सेम हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा अधिक होता है। तो आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, CH3 जो ग्रुप है, मेथिल जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होता है, तो ये पता ही है आपको कि यह प्लस इंडक्टिव इफेक्ट डालने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कहने का मतलब है यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, तो कार्बन पर चार्ज डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ने के कारण से पॉजिटिव चार्ज जो है वह स्टेबलाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई फिनोमेना नहीं था, ठीक है। इसी के अपेक्षा इस पर की इसमें बात करें, टू डिग्री की बात करें, तो टू डिग्री में देखें तो ये CH3 ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए इसमें क्या होगा, तो अब देखो देखें हम, तो यहाँ पे ये है प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप, ये भी है प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप, ठीक है। तो अब देखें दो प्लस आई इफेक्ट डाल रहे हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसकी अपेक्षा, यहाँ क्या है तो एक प्लस आई इफेक्ट है तो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। यहाँ पे देखें तो जीरो प्लस आई इफेक्ट है तो ये क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में भी कम होगा। यहाँ पे क्या है तो टू प्लस आई इफेक्ट डाल रहे हैं इसलिए यह इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा, कहने का मतलब 1 डिग्री की अपेक्षा भी स्टेबल होगा, 2 डिग्री और जी या मेथिल कार्बोकेटाइन की अपेक्षा भी ये स्टेबल होगा। आगे देखें इसकी बात करें तो इसके इसमें भी अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे वाला भी समझ में आ जाएगा आपका। तो क्या है कि ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा तो ये भी प्लस आई इफेक्ट डाल रहे, ये भी प्लस आई इफेक्ट डाल रहे, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, तो इसमें देखें तो प्लस क्या बोल सकते हो, 3 प्लस आई इफेक्ट डाल रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो इससे हमारा रिजल्ट आया कि सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, उसके रिस्पेक्ट में कम स्टेबल होता है 2 डिग्री और उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, सबसे कम स्टेबल होता है मेथिल केटायन। तो इसमें क्या है तो इस प्रकार से क्या होगा, तो इधर हम चले तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये है हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये हो गया प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर। अब ये आप जान रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, प्लस हाइपर कंजुगेशन का, तो प्लस हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर इसको क्या होता है, तो ये होता है इसमें देखें तो इसके कारण से ये 3 प्लस
हाइपर कंजुगेशन शो करता है। ठीक, यहाँ पे देखें तो ये 6 हाइपर कंजुगेशन शो करता है और ये जो है वो 9 हाइपर कंजुगेशन शो करता है। ठीक है, तो 9 हाइपर कंजुगेशन शो करता है। इसके रिस्पेक्ट में भी हम बता सकते हैं कि यह मोस्ट स्टेबल होगा, ये उसकी अपेक्षा कम स्टेबल होगा, ये उसकी अपेक्षा कम स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं है। अब देखिए हमारे पास दो डाटा है, एक तो आया प्लस आई इफेक्ट के आए, दूसरा आया हाइपर कंजुगेशन का है। तो अभी अभी हम लोग देखे थे ट्रेन, तो ट्रेन में याद कीजिए आप क्या क्या देखे थे। तो पहले था हमारा एरोमेटिक, उसके बाद था हमारा प्लस एम इफेक्ट, उसके बाद था प्लस हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में था प्लस आई इफेक्ट। अगर कोई कंपाउंड है जिस पर दोनों इफेक्ट शो हो रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट और प्लस हाइपर कंजुगेशन, तो पहले प्रीफर आप करेंगे किसको, तो हाइपर कंजुगेशन को प्रीफर करेंगे, देन प्लस आई इफेक्ट को प्रीफर किया जाएगा। बाकी इसमें दोनों को भी आप किसी को भी प्रीफर करेंगे तो आंसर यही आने वाला है, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो अगर आगे जो देखेंगे हम, तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसके बेसिस पे देखें तो पहले हमको हाइपर कंजुगेशन को प्रेफरेंस करना है, उसके बाद हमको प्लस आई इफेक्ट को प्रीफर करना है। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेबिलिटी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना देखते हैं। अब ये कि नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मैं कुछ इसके बहुत सारे एग्जांपल देखूंगा, जिसके बेसिस पे जो है हमको जितने भी हम 12 जो कॉन्सेप्ट लिखे थे वो कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन किए जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। और अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को सही लग रहा है तो जो है मेरे YouTube चैनल पर जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।